स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैं सुजीत सर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं अपने career.com के यूट्यूब चैनल पर कि आप घर बैठे, जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आप कंप्लीट मैथ सीख सकते हो, चाहे वो कमर्शियल मैथ्स की बात करें या एडवांस मैथ का कंप्लीट फ्री कोर्स। यानी कि इसके लिए कोई हमने पेड कोर्सेस नहीं लाया है, आप कंप्लीट फ्री कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल career.com पर जाकर आप ये कंप्लीट कोर्स को देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो मैथ्स का बेसिक चैप्टर है, जो कि सबसे मेन चैप्टर होता है, क्योंकि वही चैप्टर ऐसा है कि आपके बहुत सारे चैप्टर से कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन रखता है या कभी इनडायरेक्ट रिलेशन भी रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि मैं किस चैप्टर का बात करने जा रहा हूँ, और वो चैप्टर है आपका परसेंटेज। तो आप हमारे साथ बने रहो दोस्तों। हम लोग अपने YouTube चैनल career.com पर कंप्लीट मैथ बिल्कुल फ्री में हम लोग सीखेंगे, और इसके लिए आपको कहीं भी और अदर चैनल पर जाने की जरूरत नहीं होगा। और यहाँ पर आपको एकदम बेसिक लेवल से, ये मैं मानकर चलूंगा कि एकदम जीरो लेवल से लेकर आपको हीरो लेवल तक पहुंचाना वो मेरा फर्ज है। बस आप क्लास के सारे वीडियोस आपके पास जो भी आते जाएंगे आप उसको बस विजिट करो, देखो। हम ये गारंटी लेते हैं कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते करते हम एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर, यानी कि जो हमारे पास चैप्टर आता है वो है परसेंटेज। ये चैप्टर आपका मैथ्स का सबसे, बोल सकते हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज सीखनी होगी। तो परसेंटेज मतलब होता क्या है, सबसे पहले उसको देखो कि कभी भी आप किसी भी टर्म का कंपेयर अगर हम 100 के रेस्पेक्ट में करते हैं, किसी भी चीजों को अगर आप कंपेयर किसके रेस्पेक्ट में करते हो, 100 के रेस्पेक्ट में, तब हम वो टर्म यूज करते हैं किसका, परसेंटेज का। जैसा कि आप सभी ने अपने एकेडमिक ईयर में, यानी कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो जो भी रिजल्ट्स आता था, आप देख लो आपके पास जो रिजल्ट्स आता था या जो मार्क्स मिलता था, आउट ऑफ कितना मिलता था, 100। मान लो कि हमने देखा मैथ्स में आपको 100 में से 80 मिला, तो ये बताओ ये जो आपने मैथ्स में स्कोर किया, आउट ऑफ 100 में से आपने स्कोर कितना किया, 80 का, तो कितना परसेंट, अगर हम बोले कि आपने मैथ्स में कितना परसेंट स्कोर किया, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट 80%। फिर आता है, मान लेते हैं कि हम इंग्लिश में आउट ऑफ 100 आपने स्कोर कितना किया, तो हम बोलेंगे 65। तो बताओ तो इंग्लिश में आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो नंबर आपने देखा ये आपका 65 कितना में आया, 100 में। और हमने क्या बोला था कि परसेंटेज का मतलब किसी भी चीज का कंपेयर आप किसके रिस्पेक्ट में करते हो, 100 के रिस्पेक्ट में। तो 100 के रिस्पेक्ट में ये जो मार्क्स आया है 65, ये कितना परसेंट को शो करेगा, 65% को। तो अब हम देखेंगे कि पहले यहाँ पर दो टॉपिक को समझते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, है ना, क्योंकि जगह भी नहीं होता है। अब हमारे डिजिटल बोर्ड में क्या है कि आपके पास जो जगह है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो चीजों को समझना, हमने क्या बोला यहाँ पर दो टॉपिक आपको पहले समझाते हैं, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। परसेंटेज से किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो जैसा कि अगर हमने बोला 25%, अगर कोई बोले कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल इस रूल को समझना कि आपके पास ये जो 25% है, हमने क्या लिख दिया, 25,
और यहाँ पर देखोगे कि ये जो आपको परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर ये जो परसेंटेज का सिंबल दिखा, इसको अगर हम हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 100। मतलब ये जो नंबर दिख रहा है आपको वो लिख देना 25, और यहाँ जो परसेंटेज का सिंबल दिखा इसको हटाएंगे तो नीचे में हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से। ठीक है, अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो 25 से 1 टाइम्स में और 25 से 4 टाइम्स में, यानी कि 25% का हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/4। अब देखते हैं अगर किसी ने बोला कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता, बताओ 20% अगर हमने परसेंटेज में बोला तो क्या बोला, 20%। और इसी टर्म को अगर हम फ्रैक्शन में बोलेंगे तो बहुत ही सिंपल, यहां पर देखो 20, और अभी हमने क्या बोला कि इस परसेंटेज को अगर हटाओगे तो नीचे में हम क्या यूज करते हैं, 100, यानी 20 से कट करेंगे 1 टाइम्स एंड 20 से कट करेंगे 5 टाइम्स। तो बताओ तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगा, 1/5। तो हम लोग एक बेसिक आइडिया ले चुके हैं कि कभी भी परसेंटेज के टर्म को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से और देते हैं आपको, अगर इसको थोड़ा इरेज कर दें तो आपके पास एक दो एग्जांपल्स और देते हैं उस चीज को समझना। अब आता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे आपको हमने बोला 33 whole 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा ये बताओ, 14 whole 2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा ये बताओ, 11 whole 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा वो बताओ। यहां पर और अगर देखें तो एक दो डेटा और देते हैं, 16 whole 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा ये बताओ। तो अभी आप देखोगे, अभी थोड़ा देर पहले हमने एक सिंपल सा केवल परसेंटेज दिया था, यानी कि बिना उसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यूज किए हुए। अब देखोगे ये जो इस बार आपको परसेंटेज दिए, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिख रहा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहने का मतलब एक आपको होल नंबर भी दिखा होगा और साथ में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी नंबर दिख रहा है। तो एग्जामिनर यहां पर देखो क्या करेगा कि आपके एग्जाम में सिंपल परसेंटेज के जगह ये सारे परसेंटेज को यूज करेगा। तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, अगर थोड़ा सा रूल यानी बेसिक रूल पता है तो आप बहुत ही इजीली इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। देखो यहां ध्यान देना, तो इसको सॉल्व करने का आप देख सकते हो जो हमारा नियम होता है, हमारा नियम का नाम क्या होता है, यहां ध्यान देना, ये जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 से, कितना हो जाएगा 99, एंड 99 को फिर 1 के साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 100, और नीचे में डिवाइडेड बाई, ये देखो टर्म क्या था, 3 था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 33 whole 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बताता है, 100/3, जो कि बिल्कुल गलत है। वो लोग यहां तक तो कर जाते हैं लेकिन इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ऐसा इसलिए हमने कहा क्योंकि इस बात को समझो, सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ये जो परसेंटेज का सिंबल अगर हटाते हैं तो नीचे किससे डिवाइड होता है, 100 से। तो 100 का मतलब यहां पर 20 लग जाएगा। अब बताओ तो 100 से कट करेंगे 1 टाइम्स, 100 से कट करेंगे 3 टाइम्स, यानी कि 33 whole 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। अब ये बताओ 14 whole 2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, बहुत ही सिंपल, देखो ध्यान देना, अगर इस 7 को सबसे पहले हम 14 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, कितना हो गया 98, देन हम उसमें ये 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 98 में जब आप 2 ऐड किए कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 100 हो गया।
और नीचे में क्या नंबर है था 7। बस इसके बाद बस ये ध्यान रखना कि ये जो परसेंटेज का साइन था अगर हम उसको हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। इसका मतलब 100 से कट करो 1 टाइम्स में, 100 से कट करो 7 टाइम्स में, यानी कि 14 whole 2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/7। नेक्स्ट ये डेटा को देखते हैं, 11 whole 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है। देखो यहां पर इस 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 11 के साथ, 99। देन इस 99 में हम 1 को क्या कर देंगे ऐड, कितना हो जाएगा 100। तो आपने क्या लिखना है 100 divided by 9। लेकिन ये जो परसेंटेज का साइन दिख रहा है इसको हटाओगे तो नीचे में क्या लगाएंगे 00। अब कट करो तो 100 से कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, और 100 से कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में, यानी कि अगर हम 11 whole 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू का बात करें तो वो कितना आएगा 1/9। अब आते हैं यहां पर, एक देखो आपको दिए था, मैंने क्या दिया था 16 whole 2/3%। सबसे पहले तुरंत आप क्या करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 16 3 कितना हो गया 48। हाँ 48 में अब हम क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। और डिवाइड देखोगे तो नीचे में कौन सा नंबर था 3। परसेंटेज का साइन को अगर हटाएंगे तो 00 लगा देंगे, है ना। अब 50 से कट करो कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, और ये 50 से कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में। तो बहुत ही इजीली यहां पर हमने क्या देखा कि अगर मिक्स्ड में भी नंबर हो और वो परसेंटेज में हो तो उसको हम बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर कर उसका फ्रैक्शनल वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ही बेसिक चीज है तो बिल्कुल ऐसा ठीक है सोचना, बट इसी को ऐसा बेसिक समझकर प्रैक्टिस छोड़ देना इस पर ये गलत बात है, क्योंकि एग्जामिनर देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि वो वही डेटा को देगा जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का टाइम लगे, है ना, क्योंकि वो आपको सैलरी देने वाला है तो सैलरी तो ऐसे नहीं देगा कि क्यों सिंपल परसेंटेज को यूज कर देगा, वो तो हर किसी को आता है। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ से अलग निकलने के लिए थोड़ा सा आपको ये सब जो चीजें हैं जो कि डेली हम लोग इस चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपको करना है, क्योंकि जॉब भी किसको चाहिए आपको। तो यहां पर ध्यान देते हैं, हमने देख लिया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक, यानी कि अगर कभी फ्रैक्शन दे दे तो उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले दे, बहुत ही सिंपल। चलो अब हम देखते हैं दूसरे टॉपिक को, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ना। अब जैसे अगर इरेज नहीं करेंगे तो फिर लिखेंगे कहां, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आराम से इरेज कर देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं उतारा था तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करकर जाकर वहां से उतार लेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इससे सिंपल और कुछ भी नहीं होता है कि अगर आपको फ्रैक्शन में दे दे और परसेंटेज में चेंज करने को कहा जाए तो इससे सिंपल कुछ भी टॉपिक नहीं हो सकता है। ध्यान देना, अगर हमने बोला 1/4, ये जो आपको एक फ्रैक्शन दिया और क्या बताया कि इसको आप चेंज करो परसेंटेज के टर्म, तो आपको बस एक रूल क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन है और उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो केवल और केवल मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 100 के साथ। तो बताओ तो अगर 4 से कट करेंगे कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 25 टाइम्स में, यानी कि 1/4 का मतलब कितना परसेंट 25%, है ना।
जैसे एक दूसरा देते हैं आपको फ्रैक्शन, यहां ध्यान देना 3/5। अगर मैं फ्रैक्शन में लिखा तो मैंने इस फ्रैक्शन में लिखा 3/5। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो, क्या करोगे? एक नियम बस याद रखना कि आपके पास फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, वो ऑटोमेटिक किसमें चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। सॉल्व करो, 5 से सॉल्व किया आपने तो 20 टाइम्स में कटा, यानी 23 60%। इस तरह का डेटा है ना, तो आप देख सकते हो कि कितना ही आसानी से आप परसेंटेज में चेंज कर पा रहे हो, है ना। अगर मैंने बोला कि अब आप इसको चेंज करो 2/4, ये अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए 2/4 तो हम इसी तरह लिखेंगे 2/4, लेकिन अब आपको बोले परसेंटेज में चेंज करो तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं ना नियम कानून कि अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो बताओ तो कितने टाइम्स में कट जाएगा, 25 टाइम्स में। तो 25 × 2 ये कितना हम बोलेंगे, 50%, है ना। 2/4 का मतलब कितना, 50%। या फिर इस तरह लिखा रहे 1/2, बताओ तो कितना परसेंट है। बहुत ही सिंपल, हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। कट करो, कितने टाइम्स में कट हो जाएगा, 50 टाइम्स में। यानी कि 1/2 को भी हम कितना परसेंट बोलते हैं, 50%। तो ये था हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि आपको देना था कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करें। तो क्या कर रहे थे, केवल सिंपल इनटू 100 कर रहे थे। और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने देखा कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, ये टॉपिक को भी हमने देखा, है ना। तो अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर कि आखिर इस परसेंटेज चैप्टर का जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग होता है, यानी एग्जाम में जो पूछा जाता है, वो कैसा क्वेश्चंस आता है। तो याद रखना, पहले हम धीरे धीरे आपको सिखाने का मतलब, पहले धीरे धीरे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को करवाते करवाते एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक को भी हम लोग देखेंगे। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यानी यहां देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड। एक एग्जाम में 93% स्टूडेंट क्या हो गए, पास कर गए, मतलब ये लोग पढ़ाई करते थे, है ना। केवल मूवी वगैरह घूमने वगैरह पर ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने पढ़ाई किया तो एग्जाम पास कर लिया। लेकिन यहाँ पर 259 कैंडिडेट्स, यानी जो स्टूडेंट्स थे, वो फेल कर गए। अब फेल होने का कारण क्या होता, बहुत सिंपल, नया मूवी आया, चले गए वहां पर थिएटर, होम थिएटर, कि चलो आज ये मूवी आया, कल वो मूवी आया, है ना, समझ रहे हैं। न्यू ईयर आया, पार्टी मनाने चल गए, और उनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि हमारे एग्जाम्स हैं, तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, सिंपल सा, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा। यही नियम कानून भी बहुत ही सिंपल होता है कंपटीशन के लाइन में, जो मेहनत कर गया और जो लास्ट टाइम तक टिक गया वही एग्जाम निकालेगा और उसी की जॉब होगी, ये गारंटी है। लेकिन मान लो हम अपने प्रिपरेशन के टाइम में कहीं फ्रस्ट्रेशन बहुत सारे आते हैं और उससे डर कर, उससे मायूस होकर, घबरा कर हमने छोड़ दिया एग्जाम, तो बहुत ही क्लियर एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, सबसे पहली बात। अदर्स क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर आप कुछ आगे कर पाओगे। तो चलो यहां पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। 93% स्टूडेंट पास कर गए और 259 स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। तो आपसे पूछ रहे, बताओ उस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था। एक चीज और, परसेंटेज में याद रखना, टोटल का मतलब 100%, टोटल का मतलब 100%।
कोई भी नंबर का हम बात कर रहे हैं, चाहे 10, 20, 30, 25, किसी भी नंबर को हम बात करें, वो खुद का 100% होता है। यानी अगर हमने बोला 25, तो 25 अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100%। बस इस चीज को याद रखना, क्योंकि पूरा का पूरा आपका परसेंटेज चैप्टर इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि टोटल मतलब 100%। अब बताओ कि 100% हमने क्या ले लिया? टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितना था? 100%, जिसमें 93% स्टूडेंट पास कर गए। तो पास अगर 93% किए, तो बताओ तो फेल कितना परसेंट किए होंगे? बहुत ही सिंपल है ना, फेल कितना परसेंट किए होंगे? 7%। तो इन दोनों को जोड़कर देखो तो कितना 100 आ जा रहा है ना, बस वही समझो। तो 7% फेल कर गए, और फेल का डेटा दिया हुआ था, यानी 7% बराबर 259। तो आपसे पूछ रहा है बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट को हमने कितना माना था? 100%। तो 100% बराबर यहां पर क्या होगा, वही आपको बताना था। अब आप देखोगे कि अगर हमको 100% निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो अब यहां पर बताओ 100% का वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या करेंगे कि ये जो 259 है, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 7% है, देखो जो बॉक्स की तरफ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल याद रखना, उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड। अब यहां से कट करो तो 7 से कट किए कितने बार? 3 टाइम्स में 21 कितना बच गया? 449 कितने टाइम्स में होता है? 7 टाइम्स में। तो 37 × 100 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3700। लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से अप्रोच मत करना। आप जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, वो आपकी लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, कि जब हमको कोई भी मल्टीपल डायरेक्ट ना दिखे तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अदरवाइज आप सिंपल सोचो ना, यहां से 7 से ये 259 कितना टाइम्स दिख रहा है, तो हम बोल सकते थे ना 37 टाइम्स। तो 100% का 37 टाइम्स अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3700। तो डायरेक्टली हम ऐसे कर देंगे ना कंपेयर, उतना आपको क्रॉस नहीं करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। यहां देखोगे आपके पास क्वेश्चन बोला गया है, इफ एक्स इज 90% ऑफ वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई का 90% है। बहुत ही सिंपल, जिससे कंपेयर करेगा हम उसको दे देंगे कितना परसेंट? 100%। इस बार कंपेयर किससे कर रहा है? वाई से। कैसे पता चला? यहां देखो एक्स इज मतलब एक्स कितना है, तो y का 90%, यानी अगर हम क्या बोलेंगे y 100 हुआ, तो y का 90% x है, तो कितना हो जाएगा ये? 90। अब आपसे पूछा कि what percent of x is y। अब आप हमको बताओ कि x का कितना परसेंट आपका y है। आप सिंपल नहीं निकाल सकते हो, इसमें पूछ रहा है कि y जो है ना वो x का कितना परसेंट है। तो y कितना दिख रहा है आपको? 100। किससे कंपेयर किया? तो x से कंपेयर कर रहा है कि x का कितना परसेंट है। तो हम यहां नीचे क्या लगा देंगे? 90। और आपको पता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। अब आप यहां पर सॉल्व करोगे तो 1000 को किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो जब आप 1000 को 9 से डिवाइड करोगे, यानी 1000 को 9 से डिवाइड करोगे, तो जब आप डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 111.1। देख सकते हो 9 से काट दो तो एक बार में, फिर एक बार में, फिर एक बार में, डेसिमल के बाद फिर एक बार, और ये चलता जाएगा। यानी हम आंसर कहां तक देंगे? यहां देखो
111.1। तो सिंपल सा ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन यानी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था। देन मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां ध्यान दोगे व्हाट इज नंबर हुज 20% इज 10। आपके यहां जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से पूछ रहा है कि किस नंबर का 20% वैल्यू क्या होगा 10। हम एग्जाम में क्या इसको पूरा बनाएंगे? नहीं। सिंपल देखो ना कि किस नंबर का अगर हम 20% निकाले तो मेरा आंसर क्या आ जाए 10। तो आपका आंसर क्या होगा सी 50। तो इस पर आता है कि ये डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, परसेंटेज में 2% का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पहला आता है 10% और दूसरा आता है 1%। हमने क्यों बोला इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस बात को समझना। अगर किसी भी नंबर का 10% निकालना हो, जैसा अभी हमने क्या बोला कि आपको एक एग्जांपल दिया, नंबर दे देते हैं कि 650 का आपको कितना परसेंट निकालना है 10%। बहुत ही सिंपल कि अगर आपको 10% निकालना है किसी भी नंबर का तो राइट साइड से, कहां से, राइट साइड से एक डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। तो अब आप बताओ तो यहां पर राइट साइड से कौन सा नंबर है 0, तो 0 के बाद यहां पर लग जाएगा डेसिमल, यानी 650 का 10% क्या हो जाएगा 65। अब इसी तरह हमने बोला कि इससे हेल्प क्या होगा, 10% निकालने से क्या हेल्प होगा, तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा कि अगर कभी एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया कि 650 का आप बताओ 40% क्या होगा। देखो इससे हेल्प कैसे होगा कि अगर आपने 10% निकाल लिया तो बताओ तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, वही 10% का वैल्यू होगा। तो 10% का वैल्यू कितना हो गया 65। अब सोचो ना कि आपने 10% का वैल्यू निकाल लिया तो 10% से जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि कितना परसेंट 40%, वो कितना टाइम्स दिख रहा है तो 4 टाइम्स। तो कुछ नहीं, इसी 10% के वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 260। और याद रखना, विश्वास रखो इस पर कि ये सब कॉन्सेप्ट पर जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो आप विदाउट पेन और पेपर बहुत जल्दी कैलकुलेट करोगे किसी भी परसेंटेज को जो कि 0 के फॉर्म में हो, ठीक है। अब हम यहां पर बात करें तो देखो मेरे पास ये जो क्वेश्चन था कि किसका 20% वैल्यू कितना होगा 10, तो क्या मुझे दिख रहा था ना कि इस 50 का अगर हम 10% निकाले, इस 50 का 10% निकाले तो किसके बराबर हो जाएगा 5 का। राइट साइड से जाकर हम क्या लगाते थे डेसिमल, लेकिन ये तो 10% हुआ, 20% करने के लिए ये कितना टाइम्स दिखा तो 2 टाइम्स। कुछ नहीं, इसका 2 टाइम्स कर दो, 5 2 जा कितना होता है 10। तो बहुत ही सिंपल सा आपका ये लॉजिक था। अच्छा 1% का रूल क्या होता है समझना। अगर इसी नंबर को हम दे देते हैं यानी कि 650 का आप बताओ 1% का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल, एक चीज नोट याद रखना, नोट लिख कर रखना कि 1% का अगर वैल्यू चाहिए तो राइट साइड से आपको 2 डिजिट के बाद यानी आफ्टर 2 डिजिट आप वहां पर क्या लगा दोगे डेसिमल लगा दोगे और वही 1% का वैल्यू होगा। देखो तो बताओ 1% का वैल्यू मतलब राइट साइड से यहां पर 2 डिजिट गिनो, पहला डिजिट 0, दूसरा डिजिट 5 और उसके बाद यहां क्या लग जाएगा डेसिमल, यानी कि ये आपका आ जाएगा 6.50। अब यहां पर 1% इसलिए बोला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको बोल दे कि बताओ 650 का 4% क्या होगा। अब देखो ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, यहां पर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगा
4% निकालना, 3% निकालना, तो उसके लिए आपको पता होगा ना कि इसका 1% कितना होता है। तो हम तुरंत बता देंगे, राइट साइड से दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। अब यहाँ पर 1 के बाद कितना परसेंट चाहिए, 4% ना, तो ये कितना टाइम्स दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 4 times दिख रहा है, 4 गुना। तो 4 गुना करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो बताओ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो बहुत ही सिंपल तरीकों से यूज कर हम ये सब का आंसर कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कि रमन का सैलरी को घटा दिया गया कितना परसेंट से, 10% से, है ना। होता है ना कभी कभी एम्प्लॉय में कि अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, मान लो किसी कंपनी में आप जहां काम कर रहे हो और केवल फकैती मारा है आपने, फकैती मतलब समझते हैं ना कि दिन भर खाली फोन लिए और बाहर निकलकर गपिया रहे हैं, तो ये सब चीजों को देखकर जो वहां के मैनेजमेंट थे उन्होंने आपकी सैलरी घटा दी। तो कुछ वही चीज हुआ कि रमन का सैलरी को रिड्यूस कर दिया गया कितने परसेंट से, 10% से। अब ये बातें रमन को पता चल गई कि हमारी तो भाई सैलरी घट गई। अब रमन ने खूब ध्यान से और एकदम मन लगाकर अपने काम पर ध्यान दे दिया, है ना। तो फिर क्या हुआ, इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक टू द ओरिजिनल, अब भाई उसने देखा उसके जो मैनेजमेंट थे, अब उसने क्या देखा कि भाई रमन तो काम करने लगा, तो अब भाई काम करने लगा तो इसको वापस से बैक टू द ओरिजिनल अमाउंट पर ले जाने के लिए अब आपको रमन का सैलरी कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, याद रखना, कभी भी अगर आपको बैक जाना है कहां पर, टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी जो पहला था, जो पहला पोजीशन था उसी पोजीशन पर जाना है, तो बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूले को याद रखना भाई, इससे सिंपल फॉर्मूला और कुछ नहीं होता है। देखो, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन जाने के लिए पहला फॉर्मूला हमने बताया कि अगर कंडीशन किसका हो, डिक्रीज का, जैसे इस क्वेश्चन में कंडीशन किसका था कि सबसे पहले क्या किया गया, उसके सैलरी को रिड्यूस कर दिया गया, मतलब घटा दिया गया। तो अगर वो रिड्यूस का केस है यानी डिक्रीज का केस है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, डिक्रीज जितना भी किया होगा उसको न्यूमरेटर में लिख देना, डिवाइडेड बाय 100 minus decrease, यानी कि जितना भी डिक्रीज किया हो, मान लो कि 15% डिक्रीज किया तो उसको 100 में माइनस कर देना, या 20% डिक्रीज किया तो 100 में 20 माइनस कर देना, और फिर इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100। ये कौन सा केस है, यहां पर डिक्रीज वाले केस में। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहां तो इसके सैलरी को बढ़ाने की बात की गई, उतना आपको सोचना भी नहीं है। अगर ये टर्म आया बैक टू द ओरिजिनल अमाउंट, यानी वापस से उसको उसी पोजीशन पर लेकर जाना है, तो यहाँ फर्स्ट में ही देखोगे क्या किया गया था, रिड्यूस कर गया था, इसका मतलब ये डिक्रीज वाला केस है। अगर दूसरा कंडीशन आता है हमारा इंक्रीज वाला, यानी कि हमने क्या किया, सैलरी आपको इंक्रीज कर दिया, है ना। तो इंक्रीज वाले केस में क्या चलता है, ध्यान देना, तो यहां पर चलेगा इंक्रीज डिवाइडेड बाय 100 plus increase, यानी इंक्रीज रहेगा तो 100 में जोड़ देना, 100 plus increase, और इनटू में क्या हो जाएगा, 100। बस ये टर्म को अगर याद रखोगे तो बहुत ही सिंपल तरीकों से इसको आप सॉल्व कर देते। तो यहां पर देखो, तो रमन के सैलरी को क्या किया गया था, डिक्रीज किया गया था, मतलब ये वाला केस है। तो हमने क्या बोला, कितना डिक्रीज किया था, 10% डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बोला, 100 में से घटा दो, तो 100 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 90, अब परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू 100। तो बताओ, तो यहां से जीरो काट दो, तो यहां पर 100 को डिवाइड करना किससे,
9 से। तो जब कभी भी आप 100 को डिवाइड करोगे 9 से तो क्या आ जाएगा 11 होल 1/9%। तो बहुत ही सिंपल एक लाइन में आप इसको आंसर कर सकते हैं 11 होल 1/9%, अगर आपको बैक टू द ओरिजिनल अमाउंट का स्ट्रक्चर पता होता। चलो मूव करते हैं हमने नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ऐसे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बोला गया कि एक सिटी में टोटल पॉपुलेशन एक टाउन में कितना है 1000। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिख दिए कि उस टाउन में टोटल पॉपुलेशन, यानी कि इस डेटा को लिख देते हैं, ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है 1000, जिसमें 60% क्या है फीमेल है। तो अब आप ये हमको बताओ कि ये जो 1000 है इसका 60% फीमेल है, तो 60% कितना हो जाता। तो 10% के लिए हमने क्या बोला, एक डिजिट के बाद डेसिमल यानी 100। तो 10% में आपका 100 हुआ तो 60% में क्या हो जाएगा, आप सोचो तो 60% में क्या हो जाएगा 600। अब देखो हमारा थोड़ा पीपीटी जो है रुक चुका है, अब पता नहीं क्यों रुका है, है ना। अब वो बोल रहा है कि कुछ ज्यादा आप पढ़ा रहे हैं, है ना, फ्री में नहीं पढ़ाना है। लेकिन इसको भी नहीं पता है कि हमारे इरादे और हमारे व्यूअर्स के इरादे बहुत मजबूत है क्या। अब देखो ऑटोमेटिक ठीक भी हो गया, क्योंकि इसे भी डर है कि अगर ये ठीक ना हुआ ना तो हम मार्कर यूज करके अब इस पर मार्कर से लिखने लगते क्या। डिजिटल बोर्ड को हम ऑफलाइन बोर्ड बना देते लेकिन आप लोग का सीरीज रुकने नहीं देते। अब ध्यान दो कि 60% आपका क्या है फीमेल है, तो 1000 का 60% कितना होता है 6000। थोड़ा सा रुक जाओगे, है ना, हम अपने ऑपरेटर को थोड़ा सा दिखवाते हैं कि क्या हुआ है, है ना। अब ये चाह रहा है कि थोड़ा इसको रेस्ट दिया जाए, तो इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं 2 सेकेंड के लिए, है ना। तो देख लोगे, है ना। तो हम अपने सोच लो, हम अपने कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि विद इन सेकेंड में ठीक किए हैं, और ऐसा वैसा नहीं, हम लोग नाइजीरिया से लेकर आए हैं अपने कंप्यूटर ऑपरेटर भैया को। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए इतना किया जा रहा है क्या, तो बस थोड़ा सा सहयोग करना है आप लोगों को। तो आप देखोगे टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना था 1000, जिसका 60% आपका फीमेल है, तो हम क्या बोलेंगे 60% मतलब 600। तो बताओ तो मेल कितना हो जाएगा, तो मेल हम बोलेंगे कितना हो गया 400। अब इस 60% फीमेल में से भी 20% फीमेल जो है ना वो लिटरेट है, मींस पढ़ी लिखी हुई। तो बताओ तो इसका अब हम दो हिस्सा करते हैं, पहला लिटरेट और दूसरा इलिटरेट, है ना। तो बताओ तो इस 600 का 20% आपका लिटरेट होगी, तो 20% कितना हो। इससे सिंपल कि अगर आपको 20% निकालना है किसी भी नंबर को, तो हम क्या बोले उस नंबर को सिंपली किससे डिवाइड कर देना 5 से। अगर 20% निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ मत देखना, उस नंबर को बस 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 5 से अगर डिवाइड करोगे 600 को कितना आ जाएगा 120। अच्छा उसके बाद इसमें बोला है 25% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट। अब मेल में आपका भी दो कंडीशन है, पहला लिटरेट का और दूसरा इलिटरेट का, मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ नहीं पढ़े हैं। तो पढ़े लिखे लोग कितना है 25%। तो बताओ तो इस 400 का 25% अगर निकालना है
तो एक डेटा और भी याद रखना कि किसी भी नंबर का अगर आपको 25% निकालना है तो बहुत ही सिंपल, हम उस नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ अब इस 400 का आपका 25% लिटरेट था, तो 25% मतलब 4 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा 100, यानी 100 आपका मेल जो था वो लिटरेट था। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स। तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स कितने हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो अब इससे इजी क्या होगा, यहाँ लिटरेट कितना आई थी 120 और इधर लिटरेट कितना है 100, यानी अगर टोटल लिटरेट देखा जाए तो फीमेल लिटरेट कितना है 120 और मेल लिटरेट कितना है 100, यानी टोटल लिटरेट आपको दिख रहा होगा 220, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता हमारा 220 होता। और देखो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन ये सेट किया था, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चलता है कि फीमेल की लिटरेसी रेट ज्यादा है, और कुछ हद तक ये सच्चाई भी है कि मेल से तो ज्यादा होती है, लेकिन वर्ड ये यूज किया कि मेल की जो लिटरेसी होती है वो एकदम मतलब हाई लेवल की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। कम लिटरेट है लेकिन जितने भी होते हैं वो भी एकदम हाई लेवल के होते हैं ना। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना। देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोला गया कि किसी भी अमाउंट का 65% कितना है, तो 6.50। तो आप ऐसा बोलो ना, 65% किसी अमाउंट का आपको कितना दे रखा है 6.50। तो द सम ऑफ मनी इज, तो इसका मतलब वो सम कितना था, यानी वो अमाउंट कितना था आपके पास। तो हमने क्या बोला, जब आपको पता ही नहीं है कि किस सम का 65% इतना होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सम को हमेशा टोटल मतलब कितना परसेंट मान लेंगे 100%। तो बताओ तो 100% बराबर क्या होगा, यही तो निकालना था। अब इसको निकालने के लिए भी बहुत ही सिंपल, इस बात को थोड़ा सा गौर कर ध्यान देना, अगर ये डेसिमल नहीं होता, ध्यान देना 65% बराबर, अगर हम इसको डेसिमल यूज नहीं करते तो क्या होता, 650 कितना टाइम्स दिख रहा है, तो हम बोलेंगे इंटू 10 टाइम्स दिख रहा है ना, 65 × 10 650। लेकिन यहाँ डेसिमल लगा हुआ है कितने डिजिट के बाद, तो दो डिजिट के बाद, तो दो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, यानी ये कितना टाइम्स है 0.10 टाइम्स। तो 100 का भी आप क्या करोगे 0.10 टाइम्स निकाल दोगे, यानी वो सम क्या था आपका, आ जाएगा आंसर 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दैट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना। देखो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये इतना इजी है साथ में ही ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है। अब बात को समझना क्यों कंफ्यूजिंग होता है, आपको एक ये जो क्वेश्चन दिया है कि 30% किसका, तो ए का, 30% किसका, ए का बराबर होगा यहां पर 0.25 किसका, बी का बराबर होगा 1/5 पार्ट किसका, तो सी का। तो सबसे पहले आप क्या करना ना, कि यहां पर देखो परसेंटेज है, डेसिमल है, और ये क्या है फ्रैक्शन है, तो हम सारे नंबर को फ्रैक्शन में बदल देते हैं। अब परसेंटेज अगर हटाएंगे तो यहां नीचे क्या लगा देंगे 100, डेसिमल अगर हटाएंगे तो यहां नीचे क्या लगा देंगे 100। अब देखो तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में था, अब इसको अगर कट करें तो यहां 10 से 3 टाइम्स में और 10 से ये 10 टाइम्स में, है ना। अब ये बताओ यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, है ना, अगर मान लो नहीं चेंज करें तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आज कंप्यूटर बाबा जो है वो हमसे लग रहा है कहीं ना कहीं नाराज है, है ना, तो कलर चेंज करने के लिए वो नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं इसी पीला कलर में देखते हैं, क्योंकि येलो कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है ना। तो अब आप ये बताओ यहां से 25 से कट करोगे 1 टाइम्स, 20
5 से कट करोगे 4 टाइम्स। आपने फ्रैक्शन निकाल लिया कि a का कितना पार्ट 3/10 पार्ट बराबर है b का कितना पार्ट 1/4 पार्ट बराबर है c का कितना पार्ट 1/5 पार्ट। अब सबसे सिंपल काम आपको क्या करना है, ये जो आपको नीचे में नंबर दिख रहा है ना, उन सारे नंबरों का एलसीएम ले लो। यानी एलसीएम किसका किसका लेंगे, ध्यान देना, 10 का, 4 का और 5 का। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहां पर मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो कुछ नहीं, इन सारे नंबरों को हम उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 से कट गया 2 बार में, 4 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 4 बार में, है ना। तो अब यहां बताओ तो 6a बराबर आ जाएगा 5b बराबर होगा आपका 4c का। लेकिन ये जो वैल्यू आया किसमें आया, तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल में आया है, लेकिन आपसे जो डेटा पूछा गया है वो रेशियो का। तो बहुत ही सिंपल है, आप सोचो ना, अगर हमने देखा एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं, ए बी और सी सबका सब एकदम बराबर है पढ़ाई करने में, सबका सब तेज है, लेकिन जब ए से पूछा जाएगा ना कि पढ़ाई करने में कौन तेज है, तो वो अपना नाम छुपा कर बाकी के बचे हुए अपने दोनों दोस्तों को बता देंगे। जनरली यही इंडिया का आप देखते होंगे कि रूल चलता है ना, अपनी अच्छाइयों को छुपाते हैं लोग। तो वही सोचो ना कि अगर बराबर का केस आएगा तो बहुत सिंपल, इसको हम बोलते हैं हाइडिंग सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइडिंग सिस्टम, कि बराबर का केस रहा और रेशियो में चेंज करना है। बराबर का केस रहा और किस में चेंज करना है, रेशियो में। तो यहां देखना, ए के बारे में पूछा जाए तो ए को ढक दो, बाकी जो डेटा बचा बी और सी के पास उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी ए के लिए हम कौन सा डेटा लेंगे, ए के लिए हम कौन सा डेटा लेंगे, तो 5 × 4। क्या बोले, ए को चाहिए तो ए ढक देंगे, तो ये बचा 5, ये बचा 4, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब B का डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, B को ढक देंगे यानी हाइड कर देंगे, तो क्या डेटा बच रहा, 6 और 4, यानी 6 × 4। और C का डेटा चाहिए तो C को हाइड कर दो, क्या बचेगा, 6 × 5। अब देखो तो बहुत ही सिंपल, 2 से कट करो तुम, 2 × 2 से कट करो, 2 × 2 से कट करो 3 times, 5 × 2 जा कितना हो गया 10, 6 × 2 जा कितना हो गया 12 और 5 × 3 जा कितना हो गया 15। यानी ए बी सी का हमारा रेशियो क्या आ जाता, 10:12:15। ये कब हम करते हैं हाइडिंग सिस्टम, जब आपका बराबर का केस हो, इक्वल का केस हो, तो हम यहाँ हाइडिंग सिस्टम पर चलेंगे। जिसका भी वैल्यू पूछेगा, ए का पूछेगा तो ए को हाइड कर दो, जो डेटा बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना, है ना। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था। द सम ऑफ टू नंबर इज 2400। मान लो कि आपके पास दो नंबर है और दोनों नंबर को मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर एक्स है और सेकेंड नंबर क्या है, वाई है। जब दोनों नंबर को जोड़ा जाए तो वो कितना निकल जाता है, 2400। अब बोला कि 10% ऑफ द अदर, यहां देखो क्या बोला, 6% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 10% ऑफ द अदर नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये दो नंबर है हमारे पास एक्स और वाई, डेटा क्या बोला कि फर्स्ट नंबर का 6% बराबर होगा 10% अदर नंबर, फर्स्ट नंबर का 6% बराबर होगा 10% अदर नंबर का। तो जब हम देखें कि 3 रेशियो, यानी कि 3 आपका कैरेक्टर था और बराबर का केस में था, तो हाइडिंग सिस्टम किए थे,
तो अगर दो में रहा तो क्या हाइडिंग करेंगे? बहुत ही सिंपल, केवल दो ही डेटा रहेगा और यहाँ बराबर दिख रहा है, तो इसको रेशियो में लाने के लिए क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ तो 10, और ये वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और यही बराबर से किस में चेंज हो गया? रेशियो में। बताओ 2 5 10 और 2 3 6, यानी ये रेशियो कितना आ गया? 5:3। अब देखो दिया क्या हुआ था क्वेश्चन में, दोनों नंबर का सम मतलब कि अगर दोनों नंबर को जोड़ा जाए तो वो सम कितना आ रहा था? 2400। तो एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास सम दिया हुआ है तो इस रेशियो को प्लस कर डिवाइड कर देना, समझे? यानी 5 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना यूनिट को ये 2400 बता रहा था? 8 यूनिट को। तो बताओ तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 300। अब आपसे क्या बोला था, फाइंड द नंबर, क्या बोला है? द डिफरेंस ऑफ द नंबर, नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप अलग से नंबर मत निकालना कि एक यूनिट बराबर कितना था 300, तो बताओ तो ये नंबर कितना हो जाता 300 × 5 1500, और ये नंबर कितना हो जाता 3 × 300 मतलब 900। अब देखो तो 1500 और 900 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2400। अब क्या ये डेटा अलग अलग निकालकर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर होता नहीं, समझो क्यों? यहां पर हमारे पास दोनों नंबर का रेशियो क्या आ गया था 5:3 ना, और ये आपने 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया था, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाला था 300। तो बताओ तो इन दोनों नंबर में आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा था? तो हम बोलेंगे ना 2 यूनिट का, तो यहां पर डिफरेंस कितने यूनिट का दिखा था? 2 यूनिट का। तो बताओ तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू आपका 300 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये कितना टाइम्स दिखा है? × 300, तो इसका भी × 300 कर देना, यानी आंसर क्या बनता 600। या तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालो या अलग अलग नंबर निकाल कर तब आप माइनस करते हैं कि 1500 - 900 तो भी क्या आता 600। तो इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन है। बोला गया एक आदमी जो कि 10% अपने मनी का खर्च करता है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो डेटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। 10% उसने क्या किया? खर्च किया। फिर उसके बाद 500 रुपीज खर्च किया, फिर वो कितना खर्च किया 500, एंड फिर क्या बोला 10% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए अमाउंट का 10% फिर खर्च किया। यानी ये सारा खर्च अभी हम लिख रहे हैं, यानी एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, रिमेनिंग का कितना परसेंट खर्च करता है 10%, और लास्ट में उसके पास बच कितना जाता है 360, ये लेफ्ट रहता है। अब बहुत ही सिंपल, अगर आप इसको बेसिक तरीके से बनाने जाओ तो 100% गारंटी ये बहुत लंबा बनेगा कि पहले 10% खर्च किया, फिर 500 रुपया खर्च किया, फिर बचे हुए अमाउंट का 10% खर्च किया, तो लास्ट मतलब एकदम लास्ट में उसके पास कितना पैसा बच गया 360 रुपये। तो अब आप ये सोचो ना, आपसे पूछ रहा है कि देन ही इनिशियली है, मतलब शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। तो आप ये सोचो तो 500 रुपया पहले ही खर्च कर दिया, 360 रुपया बचा हुआ है, यानी 5 और 3 860 रुपया तो हमको ऐसे ही दिख रहा है, और अभी इधर भी तो खर्च किया होगा ना। तो आप क्या ये टोटल अमाउंट आप 750 ले सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। अगर हम 750 ले ले तो कैसे पॉसिबल होगा कि इधर हम 500 भी खर्च कर दें और मेरा 360 रुपया भी बच जाए? तो ऐसे ही जोड़कर 860 हो गया, तो ये खत्म ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन भी खत्म। अब आता है
ये आंसर आपका दो ही ऑप्शन पर आ सकता है, या तो सी या तो डी। अब आप सोचो कि अगर हम डेटा लेते 1000 कि हमारे पास स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल में आपके पास कितना था 1000, तो 10% अगर आप खर्च करोगे इसका तो 10% कितना होगा 100 रुपीज। तो बताओ तो इसमें कितना आ जाता, हम बोलते हैं 900 रुपये बच जाता। और फिर क्या बोला था, फिर बोला था 500 रुपया खर्च कर दिया। तो फिर अगर इस पर हम बोले 500 रुपया खर्च कर दिया तो 500 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा 400। और फिर क्या बोला था, 10% रिमेनिंग का मतलब रिमेनिंग कितना बच गया 400, रिमेनिंग कितना बचा था तो हम बोलेंगे 400। तो बताओ तो इसका 10% अगर खर्च किया यानी कितना खर्च किया हो, 10% कितना होता है 40। तो जब 400 में 40 घटाओगे तो ये आपके पास डेटा कितना बच जाएगा 360। तो बहुत ही इजीली तरीके से बस कुछ स्टेप्स को आपने यहाँ पर फॉलो किया और आप आंसर तक पहुंच गए कि इसका मेरा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपके एग्जाम में यानी एक क्वेश्चन में क्या बोला था कि एट लास्ट वो 360 बचा लेता है। देखो हमारा भी 360 बच रहा है। तो बहुत ही सिंपल, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, कि आप एलिमिनेट कैसे करते हो। आपने देखा कि 500 स्टार्टिंग में ही खर्च किया, 360 बचा हुआ है, यानी टोटल तो हमको यही पर 860 रुपया दिख रहा है। तो क्या कभी पॉसिबल है कि उसके पास टोटल पैसा 750 होता, यानी पैसा कम और खर्च ज्यादा, है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना।